मैं बहुत धीरे चलाता हूँ स्कूटी, फिर भी ये कहती है कि मैं तेज चलाता हूँ। लोग इतने मेंटल होते हैं ना, एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। और ये है हमारे अर्जुन जी की फेवरेट जगह। अरे नहीं भाई, यहाँ पे ना गाड़ियों के आपके क्लच और ब्रेक दोनों टेस्ट हो जाते हैं अच्छे से। मम्मी मैं भी कभी नहीं गया, आज ही गया हूँ। मतलब इतने सालों से जोधपुर हूँ लेकिन मैं आज पहली बार गया हूँ। आपके केस में ऐसा होगा तो फिर आप क्या राय दोगे? तो मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने परिवार की सुनूंगा, क्यों कि माता पिता और परिवार से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो कि लास्ट वाले व्लॉग में जो मैंने वादा किया था कि जितनी भी तुम्हारी लव प्रॉब्लम्स हैं उसका हल तुम्हें इस व्लॉग में मिलेगा, मैं भूल गया हूँ? कुछ नहीं भूला, सब याद है। कहीं का हूँ, यहीं पे होगी लास्ट। राधिका, राधिका जल्दी जल्दी चल। अरे चलना है अपन को। अरे प्यार बढ़ाना है, बोला था ना पिछले व्लॉग में लोगों को। अरे तो रुको, नहीं नहीं वादा है भाई साहब सब्सक्राइबर को मेरे। नहीं चप्पल का क्या करना है, चप्पल की जरूरत नहीं वहाँ पे, चलो। अरे घर की चप्पल सही है। तो गाइस अभी मैं रूम में वापस आया था, मैंने सोचा था कि मैं मोटो व्लॉगिंग वाले मेरे मोड के अंदर आ जाऊँ, हेलमेट पे कैमरा वगैरह वाइक वाइक सब सेट कर लूँ, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आने के बाद में वापस निकलना है। लेकिन मेरे भाइयों का आज मैं जिसको प्यार नहीं मिल रहा प्यार दिला दूंगा, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी करा दूंगा। शाबाश बेटा। और शादी के बाद कुछ भी होता है तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबे साले ठीक है, वहां तक मैं पहुंचा दूंगा तुमको आज, गारंटी है मेरी। फिलहाल तो इसका प्यार बढ़ाने जा रहा, चलो भाई ये टाइम पास कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, आज नहीं बचेगी। भाई अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी के ऊपर, क्योंकि मैं जहाँ जाना है ना वहाँ पे स्कूटी ही जा सकती है आराम से। ये देखिए ये है खतरनाक पुलिया और इसके ऊपर से ट्रेन निकल रही है, वही कहना चाह रहा था मैं भी। ये देखिए सुंदर सी ट्रेन जा रही है ऊपर से। पहले गाइस इसके नीचे ना पाटकड़े नहीं थे तो ऊपर से पोटी गिर जाया करती थी, अब लगा दिए। गाइस मैं बहुत धीरे चलाता हूँ स्कूटी, फिर भी ये कहती है कि मैं तेज चलाता हूँ, इतनी गलत बात है। और ये देखो स्मार्ट बाजार आ गया सामने हमारा। लोग इतने मेंटल होते हैं ना, एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। ऑल राइट तो हम हो गए हैं एंटर सिटी में। और ये है हमारे अर्जुन जी की फेवरेट जगह। अरे नहीं भाई, यहाँ पे ना गाड़ियों के आपके क्लच और ब्रेक दोनों टेस्ट हो जाते हैं अच्छे से। गाइस देखो ये गोलगप्पे वाला, एक बार हमने यहाँ का वीडियो बनाया था इस जगह पे। हाँ यहाँ पे घेवर चाट मिलती है। जोधपुर की गलियां, तो गाइस आज मैं आ गया हूँ इश्किया गजानन जी। अब मैं रिवील कर देता हूँ आपको कहाँ आया हूँ मैं। अब एकदम से आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदिर की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम से वापस मैं घर पे कैसे ले आया आप लोगों को। जरूरी था क्योंकि अब जिस मंदिर में हम जा ही रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना भी तो जरूरी है ना। हा? ले लो ना थोड़ा सा। तो भाई जोधपुर में इश्किया गजानन जी की स्थापना करीब 100 साल पहले हो गई थी। और यहाँ की मान्यता है कि जितने भी कुंवारे लोग यहाँ पे माथा टेकने आते हैं ना तो भाई फिर वो कुंवारे रहते नहीं है, शादीशुदा हो जाते हैं वो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। अभी जो मैंने मनचाहा बोल दिया ना तो लौंडो कहीं तुम ऐसे हीरोइनों के बारे में मत सोचने लग जाना, वहां जाके पता पड़ रहा है कि भगवान से हीरोइनों को प्राप्त करने की कामना कर रहे हो तुम। भाई हीरोइनें काम नहीं आएगी, जो तुम्हारा घर जोड़ सके और अवेयर सके ना वही लड़की काम आएगी। तो इस तरह की ही लड़की की कामना करना या फिर इस तरह की ही लड़की से
शादी करना। बस अब मंदिर की तरफ वापस चलने को ही है अपन, लेकिन एक चीज और बता दूं कि अभी जब जल लेके जाऊंगा ना मंदिर की तरफ, तब देखना एक सकड़ी सी गली है, और वो सकड़ी सी गली है और उसके बाद में जो मंदिर है ना उसकी दिशा इस तरीके से है कि अगर आप एज अ कपल जाते हो और वहां पे भगवान के सामने प्रस्तुत होते हो या फिर थोड़ा सा भी टर्न होते हो ना, तो बाहर गली से आप दिखोगे नहीं। और इसके चलते बहुत समय पहले, अभी का तो मुझे नहीं पता, कि जो नए नए कपल बनते थे ना वो अपनी पहली मुलाकात के लिए इस गली में आया करते थे, छुपते छुपाते। भाई मेरा ज्ञान यहीं समाप्त होता है, चलो अब मंदिर दिखाता हूँ तुमको। देखो गाइस उस वाली गली से हम एंटर हुए और फिर यहाँ पे ये रहे इश्किया गजानंदी। अभी थोड़ा सा क्या है कि द्वार क्लोज हो गया है तो लेट हो गए होंगे, भाई सीढ़ियाँ बढ़िया अच्छी बन गई है यहाँ पर। गाइस अगर आपकी बहन जितनी भी चीज़ें बताई वो बात नहीं बन रही ना, यहाँ जाओ बन जाएगी, लोकेशन वगैरह आपको आराम से मिल जाएगी, गूगल पे देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो गाइस सीढ़ियों पे इसको मैंने चढ़ा दिया है, इसका प्यार बढ़वा रहा हूँ मैं। उतरना मत जब तक बड़े नहीं, अंदर से दिल से महसूस नहीं हो। और सोच रहा हूँ रात भर है ना इसको अंदर वहाँ पे बंद कर जाऊँ, सुबह आता हूँ लेने। तो भाई दर्शन करा दिया आज आपको, गणेश जी भी सोच रहे होंगे शादी के बाद क्या लेना है ये। अब और क्या चाहते हैं ये, मैं तो शादी से पहले आया भी नहीं था यहाँ पे। देखो बाहर से देखोगे ना तो आपको मंदिर पता नहीं पड़ेगा, अंदर जाके और यूँ है तो कोई भी कपल वहाँ पे खड़ा होगा ना तो वो दिखता नहीं है। ये तो तीनों कोई कपल है ही नहीं अभी फिलहाल वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब जाएगा ना तो कपल दिखता नहीं है, ये भी खासियत है, हिडन रहता है वो कि अंदर कौन क्या मांग रहा है। हाँ देखो यहाँ से मैंने कई बार जैसे जालोरी गेट आते थे ना, ये तो बाटी एंड सॉफ्ट वाले से काफी बार सॉफ्ट खाई है। गाइस ट्रांजिशन देखो कहाँ पे आ गए हम सीधा, प्यार बढ़ गया है ऐसे लोग। नहीं इसका प्यार मतलब मैं बढ़ाने तो यार इसका गया था, ये मुझे ट्रेंड्स क्यों लेके आ रही है। ये समझ नहीं आ रहा। मैं है ना हनुमान जी के ही जाऊंगा अब से। देखो गोल्ड वाले काउंटर पे आ गए, मैं अब हनुमान जी के जाऊंगा, इसके आगे जाने जी आके आया हूँ मैं, वहाँ से सीधा आपके पास आ गया हूँ, गलत हो रहा है मेरे साथ। चलो राधिका यहाँ कोई काम नहीं है, ये बहकाते हैं। मम्मी इसके आ गजानन जी लेके आए जाके और वापस आ भी चुका हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए? मुझे तो इसका प्यार और ज्यादा कम ही लग रहा है मुझे तो। मैं भी कभी नहीं गया, आज ही गया हूँ, मतलब इतने सालों से जोधपुर हूँ लेकिन मैं आज पहली बार गया हूँ वहाँ पे, पता है आपको इतने सालों में, आपको तो खैर पता ही है। हाँ बताओ। इसके गजानन जी की असीम कृपा थी मेरे ऊपर हमेशा से। हाँ क्या कह रहे हो? कह रही हूँ गजानन जी गए इस कर लिया तेरे ऊपर असीम कृपा थी। मुझे तो इसके अंदर प्यार की कमी नफरत ज्यादा लग रहा है, ये देखो हंस हंस के मुस्कुरा के नफरत के भाव छुपा रही है अपने इस चेहरे के पीछे मम्मी, वो देखो। भाई आज मैंने तुम्हारी जो एक मेन प्रॉब्लम थी ना प्रेम संबंधी, वो मैंने सॉल्व कर दी, यहाँ जाओ बिल्कुल भगवान की कृपा तुम पे होगी, मैं तो चाहता हूँ सब पे हो और अपना मन चाहा तुम्हें जीवन साथी मिले और आराम से बाद में भी सुखी रहो, क्योंकि बाद में आजकल चीज़ें क्या है कि लड़खड़ा सी जाती है। तो भाई इस चीज़ का भी मैं तो यही आशा करूंगा सबका जो जीवन है वो सुखमय चलता रहे। भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि अपनी मन मर्जी से शादी करो, जो भी मतलब जिसके साथ भी तुम्हारा इक्वेशन बैठता है उसके साथ में शादी करो, लेकिन अपने घर वालों की मर्जी भी उसमें शामिल करो, क्योंकि उन्होंने ही तुमको चलना सिखाया है, कभी भी उनके विरुद्ध मत जाओ, क्यों उनको परेशान होके तुम्हारा जीवन सफल तो नहीं होने वाला है, मतलब मेरा तो यही मानना। देखो इसमें हो सकता है लोगों की अलग अलग राय हो, अब काफी लोग ये कह सकते हैं अर्जुन भाई दो बातें क्यों कर रहे हो, कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिसको चाहे हमारा परिवार विरुद्ध हो, अगर अर्जुन भाई आपके केस में ऐसा होगा तो फिर आप क्या राय दोगे? तो मैं एक बात बताऊं, मैं अपने परिवार की सुनूंगा, क्यों कि माता पिता और परिवार से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। अब ये राय आप लोगों को बहुत अजीब लगी, कई लोगों को लग सकती है, लेकिन मेरा मानना है भाई मेरा चैनल है तो मेरे विचार तो मैं यहाँ पे रखूंगा ना, और बिल्कुल मैं तो हर विचार अपना बेबाक रखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी सब बातों से। तो मैं तो यही चाहूंगा अपने माता पिता का दिल अब मत दुखाओ, क्योंकि जब तुम इतने से थे रोते थे जिद करते थे कितनी मुश्किल से तुमको बड़ा किया है, तो एक पल में
आप एकदम से सबसे नाते तोड़ के और एक तरफा नहीं हो सकते, वो बहुत गलत बात है। उनको भी मर्जी में शामिल करो, एक ऐसा जीवन साथी चुनो ना कि आपके माँ बाप भी मना ना करें, क्योंकि अच्छी चीज़ अगर बच्चे के लिए होती है ना तो माँ बाप कभी भी उनके विरुद्ध नहीं होते, उनके साथ में होते हैं। खैर भाई, मेरी राय थी, तुमको जो मर्जी है तुम्हारी ज़िंदगी तुम कर सकते हो। खैर, इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और जय श्री राम बोलने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जोधपुर में सौंदर्यीकरण बहुत हो रहा है, हो सकता है एक नई नई सौंदर्यीकरण हुए स्थान पे अगले व्लॉग में मैं तुमको ले चलूँ। खैर, देखते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।